जनपद आजमगढ़ एनआरसी सीएए को वापस लेने के संबंध में जमीयत उलमा हिंद के लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सब उचित कार्यवाही की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। आप लोग आए, क्या मामला है? ये मैं वाइस प्रेसिडेंट जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश हूँ। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के सारे अजला में सीएए शहरियत तरमीमी एक्ट कानून के खिलाफ ज़िला के मजिस्ट्रेट को मेमोरेंडम देने का एक मुहिम चलाई है। आज जमीयत उलमा ज़िला आजमगढ़ की तरफ से जमीयत उलमा ज़िला आजमगढ़ के सदर सेक्रेटरी और उसके तमाम इकाइयों के मेंबरान यहां आए हैं और वो मेमोरेंडम आज हम डीएम साहब को पेश करेंगे। हमने जमीयत उलमा आजमगढ़ की तरफ से ये भी तय किया है कि इस एक्ट के ख़िलाफ़ हम हर यूनिट में दस्तखती मुहिम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और वो हस्ताक्षर अभियान चला करके सदर जम्हूरिया हिंद को हम इससे अवगत कराएंगे, अपना मुतालबा रखेंगे कि सीएए को जो है वो वापस लिया जाए और एनआरसी के प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। एनपीआर का जो प्रोग्राम है उससे हर नागरिकता नागरिक की शहरियत को छेड़छाड़ की जा रही है, ये दस्तूर के संविधान के खिलाफ है। इसके लिए जमीयत उलमा पूरी जद्दोजहद से पूरे मुल्क में लड़ाई लड़ेगी और जमीयत उलमा मरकजी जमीयत उलमा हिंद ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट भी दाखिल कर दी है। उस वक्त तक हम मैदान में रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक कि ये कानून वापस ना हो जाए या इसके अंदर मुस्लिम अकलियत को और पड़ोसी देशों को शामिल न किया जाए। हमारी तहरीक उस वक्त तक चलती रहेगी।